किसान साथियों नमस्कार। मैं आज आपको ताज़ा गोबर के ढेर से अच्छी खाद वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा कैसे तैयार की जाती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी एक बार दिखाया था आपको कि कैसे ताज़ा गोबर के ढेर से खाद कैसे तैयार की जाती है, लेकिन किसी कारणवश मैं आपको वो तैयार हुई खाद नहीं दिखा सका। आज मैं दोनों प्रक्रियाएँ आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरा ताज़ा गोबर का एकदम ढेर है, बिल्कुल ताज़ा गोबर है ये। इससे हम 30 दिन में वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा कैसे अच्छी खाद तैयार कर सकते हैं। ये मेरा एक वेस्ट डिकम्पोजर का ड्राम है 200 लीटर का, मैंने ये इसी ढेर के ऊपर तैयार कर लिया ताकि कहीं दूर से न लेके आना पड़े। और फिर मैं इस ताज़ा गोबर के ऊपर पूरा इसको भिगो दे रहा हूँ। जब ये पूरी भीग जाएगी तो 30 दिन के बाद बिल्कुल ऑर्गेनिक अच्छी खाद तैयार हो जाएगी, बिल्कुल ताज़ा गोबर के ढेर से। वो उससे पहले मैं आधी जो ढेर है उसमें पहले डाल के तैयार कर चुका हूँ, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए किसान साथियों, एकदम ताज़ा गोबर का जो ढेर था, आधा जो ढेर था उससे मैंने ये पहले तैयार की थी, उससे देखिए कितनी अच्छी, बिल्कुल हल्की, इसमें वजन ही नहीं है, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल ताज़ा गोबर के ढेर से 30 दिन में वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा इतनी अच्छी खाद तैयार हो जाती है। तो किसान साथियों, यदि आप वेस्ट डिकम्पोजर को खेत में यदि नहीं डाल पा रहे किसी कारणवश, तो आप गोबर के ढेर के ऊपर इसको बना के इसकी खाद तैयार करके कम से कम आप अपने खेत में डाल सकते हो। उससे तो आपकी उर्वर शक्ति जो है ज़मीन की वो भी बनी रहेगी और आपको फसल भी अच्छी मिलेगी। धन्यवाद किसान साथियों।